स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नए एटीएम कार्ड को ऑनलाइन कैसे एक्टिवेट करें। यदि आपने बैंक से नया एटीएम कार्ड लिया है तो आपको उसे पहले एक्टिवेट करना होगा। अपने नए एटीएम कम डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ऑनलाइन एसबीआई अकाउंट में लॉगिन करके ई सर्विसेज टैब पर जाएं और एटीएम कार्ड सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां दिख रहे ऑप्शंस में से न्यू एटीएम कार्ड एक्टिवेशन पर क्लिक करें। यहां से वो अकाउंट सिलेक्ट करें जिसके लिए आपने एटीएम कम डेबिट कार्ड इशू करवाया है। यदि आपका एक ही अकाउंट है तो वो पहले से ही सिलेक्टेड होगा। अब आपको जो नया एटीएम कार्ड प्राप्त हुआ है उसमें आगे की ओर दिए गए 16 डिजिट्स के नंबर को यहाँ पर डालिए। यहाँ उसे री एंटर करिए और अब एक्टिवेट पर क्लिक करिए। अब यहाँ दिख रही डिटेल्स को वेरीफाई करके कंफर्म पर क्लिक करिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, उसे यहाँ डालकर कंफर्म पर क्लिक करें। ये देखिए मैसेज आ गया है कि आपका एटीएम कार्ड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। एटीएम कार्ड उपयोग करने के लिए आपको एटीएम पिन की जरूरत होगी। आप चाहें तो एटीएम पिन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं या फिर हमारे किसी भी एटीएम पर जाकर या एसएमएस द्वारा या आईवीआर द्वारा एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। आप ब्रांच जाकर भी एटीएम पिन प्राप्त कर सकते हैं। एटीएम पिन ऑनलाइन जनरेट करने की तथा एटीएम एसएमएस और आईवीआर द्वारा जनरेट करने की वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।